शराब पीने को गलत आदत माना जाता है। अक्सर पत्नी अपने पति को इस आदत से लेकर परेशान रहती हैं। शराब पीने के बाद होने वाली तकरार भी अक्सर देखने को मिलती है। कई बार मामला तलाक तक पहुंच जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक महिला अपने पति को इसलिए तलाक दे रही है क्योंकि उसने शराब पीना छोड़ दिया। वहीं पत्नी चाहती है कि पति शराब पीता रहे। पत्नी का आरोप है कि 3 साल पहले दोनों की शादी हुई। उसे लगता था कि उसके पति शराब नहीं पीते, लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि पति ना सिर्फ शराब पीता है बल्कि जुआ भी खेलता है। उसकी सैलरी का आधा हिस्सा इन्हीं सब में चला जाता है। ऐसे में दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े को खत्म करने के लिए पति ने पत्नी के सामने एक शर्त रखी। पति ने कहा कि वो शराब नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर पत्नी भी शराब पीने लगी तो वो बाहर जाना छोड़ देगा। लिहाजा पत्नी ने भी शराब पीनी शुरू कर दी। पत्नी का कहना है कि कुछ दिनों बाद उसके पति एक बाबा के संपर्क में आ गए। वो आध्यात्म की राह पर निकल पड़े। कुछ दिनों बाद उन्होंने शराब पीनी भी छोड़ दी, साथ ही साथ जुआ खेलना भी बंद कर दिया। हालांकि अब उसे शराब की लत लग चुकी है। पत्नी का कहना है कि अब उसे शराब पीने में मजा आने लगा है, इसलिए वो शराब नहीं छोड़ सकती। वो चाहती है कि पति भी शराब पीता रहे क्योंकि उसने ही उसे पीना सिखाया और अब वो छोड़ दिया है उसने। ऐसे में पत्नी परेशान है, अब वो तलाक चाहती है। ये पूरा मामला काउंसलर तक पहुंचा, दोनों तलाक पर अड़े रहे। ये मामला भोपाल में पारिवारिक मामलों की काउंसलर सरिता रजनी के पास पहुंचा था। सरिता ने बताया कि पति के शराब छोड़ने का ये मामला जब उनके पास पहुंचा तो वो भी सोच में पड़ गई, लेकिन पत्नी और पति अपनी जिद पर अड़े रहे। पति शराब नहीं पीना चाहता था, वहीं पत्नी उसे शराब पिलाना चाहती थी। ऐसे में दोनों ने तलाक की मांग की और अब दोनों में तलाक हो गया। तो ये अपने आप में एक अजीब मामला है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में देखने को मिला।